अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 14 है, फ्लूइड का प्रॉब्लम 36 है। हमें एक फिग दी गई है 4.398, जिसमें दिखाया गया एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ग्रेजुअली पुश कर रहा है डाउन इनटू द लिक्विड। ब्लॉक की हाइट हमें दिखा दी गई है डी के तौर पे। बॉटम और टॉप फेस का एरिया दे दिया गया 5.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दूसरी फिग हमें दिखाई गई है जिसमें अपेरेंट वेट डब्ल्यू आपके पास ब्लॉक का फंक्शन ऑफ डेप्थ के साथ यानी एच के साथ साथ उसकी वेरिएशन शो की गई है। अब आपके पास वर्टिकल स्केल जो है डब्ल्यू एस 0.2 दिया गया है। अब अगर देखो पांच खाने हैं तो टॉप वाली लाइन 0.25 को जाहिर करेगी, हाईएस्ट पॉइंट जो है। फिर आपके पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मांगी जा रही है। अब ग्राफ से जो चीजें पता चलेंगी, जब एच जीरो होगा तो वो इसका मतलब अब आपके पास डूबा नहीं है, तो उसका वो रियल वेट आएगा, तो वो आपके पास 0.25 न्यूटन हो जाएगा। और जब वो आपके पास 1.5 के एच पे पहुंचता है, इसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है उसका अपेरेंट वेट, तो इसका मजीद डेप्थ नहीं जा सकती, तो 1.5 सेंटीमीटर अपेरेंट वेट आ जाएगा, वो 0.1 न्यूटन के तौर पर। अब जनाब हम जानते हैं कि अपेरेंट वेट W माइनस एफ पी होगा, वेट डाउनवर्ड एफ पी अपवर्ड होगी। यहाँ से एफ पी निकलेगा W माइनस W ए पी, दोनों वेट पता है, दोनों से हम एफ पी निकाल लेंगे 0.15 न्यूटन। अब हम जानते हैं कि जो आपके बयांसे फोर्स है वो डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी होता है। यहाँ से वॉल्यूम हम ए इंटू डी ले सकते हैं, एरिया हमें दिया हुआ था उसने, और डी की वैल्यू हम जानते हैं 1.5 है, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो डूबा ही नहीं, इस मैक्सिमम जो समर्ज कर गया सारे का सारा, तो हमने यहाँ से डी की वैल्यू एच के बराबर 1.5 कंसिडर कर ली। जी की वैल्यू 9.8 थी, एफ भी हम निकाल चुके थे, तो 1799.66 kg/m³, रफली आप 1800 बोल सकते हैं कि 1800 kg/m³ का ब्लॉक की डेंसिटी होगी, तो लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इस पर बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।